जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एज वी पीपल नो दैट वी हैव स्टार्टेड द इंट्रोडक्शन अबाउट द पावर पॉइंट। लास्ट मैंने आपको लेक्चर दिया था, थोड़ा सा बताया था कि आप उसको देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। बहुत सारे इसमें मेन्यूज थे जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल से मिलते जुलते हैं, जिस तरह के फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है, इंसर्ट्स, क्लिप्स, क्लिप आर्ट्स और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जिन जिसको हमने काम किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी, वो तो सेम थी। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टूल का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, किसके लिए इस्तेमाल होता है, किस मकसद के लिए और इसका क्या काम है, कहाँ पे काम आता है, ठीक है। तो एज यू पीपल नो दैट, देखें जिनने मैंने आपको क्लासेस दी हैं ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर तैयार की हुई थी, ठीक है। इसका बड़ा फ़ायदा है, यू नीड अ पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, सो दैट्स वाई वी यूज़ इट। इस वक्त हम जी होम जो है ओपन की हुई है। एक्चुअली मैंने आपको बताया था उस दिन स्टार्टिंग लेक्चर में कि हमारे लेआउट होती हैं डिफरेंट, तो हम बाई डिफॉल्ट जो लेआउट है ये मेरे पास हुआ है, इसमें टाइटल और सबटाइटल, ये देखें, क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सबटाइटल। जब आपने टाइटल देना हो और सबटाइटल देना हो तो बाई डिफॉल्ट आपके पास ये होता है। अगर आप कहते हैं बाई डिफॉल्ट मैंने तो ये आ गए, लेकिन मैंने ये लेआउट नहीं लेना, तो आप इसको यहाँ सेलेक्ट करें लेआउट, इसका सिर्फ टाइटल देना हमने स्लाइड का, बस तो ये वाला चूज़ कर लें। यहाँ पे आप ऊपर टाइटल दें जी, जब टाइटल देना चाहते हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ जी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, ठीक है, ये हमारा टाइटल हो गया। एंटर किया मैंने तो नीचे आ सकता, मज़ीद टाइटल बढ़ा सकता, इसकी फॉर्मेटिंग वही है तो आप सिलेक्शन करेंगे इसकी, ठीक है, और यहाँ से आप फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। ये चीज़ें हमने तो वर्ड में कर चुके हैं, ठीक है, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। तो ये देखें, यहाँ पे क्लिक किया, टाइटल गायब हो गई, आपकी स्लाइड आ गई। लेआउट सबके पास डिफरेंट है, एक ये है, ठीक है, कॉन्टेंट के लिए अगर आपने लेनी है कि आप चाहते हैं वीडियो भी डालना चाहते हैं उसमें, ठीक है, और ऑडियो भी हो, कोई बार चार्ट, तो ये आपके पास टाइटल एंड कॉन्टेंट, ये भी चीज़, ठीक है। यहाँ से वीडियो डाल सकते हैं, मीडिया क्लिप भी डाल सकते हैं, कोई चार्ट डालना हो आपने, कोई टेबल आपने डालना हो, जस्ट लाइक एक्सेल शीट रेलेवेंट कोई काम है वो इसमें इंसर्ट करना है, हमने पिक्चर इंसर्ट करनी है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो हम फाइल इंसर्ट कर सकते हैं। तो इट मीन्स दैट कि जो लेआउट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन अस द रिक्वायरमेंट, ठीक है। लेआउट ये आपकी पड़ी हुई है, ब्लैंक करनी है ब्लैंक कर दें आप, टाइटल आपका दे चुका हूँ प्लेस लिस्ट, नीचे ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, नीचे कुछ नहीं लिखा जा रहा। जस्ट लाइक आप फर्स्ट पेज आप कहते हैं सिर्फ जस्ट नाम हो, नाम और चीज़ें ब्लैंक हो, अभी फिलहाल टाइटल ऑनली है, और आप ये कंटेंट भी नीचे देना है तो आपकी जो है ये टाइटल, ठीक है, ये आपको मैंने इसको मैं ऊपर ले गया। सब टाइटल के अंदर अंदर मैं आपको ये कंटेंट्स दे देता हूँ, ठीक है, ये देखें ग्रे आ रहा है, इस फॉन्ट को आप यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से सारा फॉर्मेटिंग आपकी पड़ी हुई फॉर्मेट टूल बार से, ये डिफरेंट आपके ये देखें टेम्पलेट्स भी आपके पास अवेलेबल हैं। और लेकिन सबसे पहले मैं जाना चाहता हूँ ये होम पे, आप देख लें रियल लेआउट पर चल गया होगा, डिफरेंट लेआउट मैंने आपको बता दिए, ठीक है, इसके अंदर होम के अंदर ये सारी जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके बाद जनाब अली कम टू द पॉइंट, न्यू स्लाइड, ये लेट से मैंने कहा जी ब्लैंक स्लाइड तो नीचे आ गई, ठीक है, तकलीब खुद लगना लग रही है, 1 2, अब फिर मैं इसको न्यू स्लाइड करता हूँ एक और आ जाएगी, ठीक है, एज मच एज यू कैन, 1 2 3 4। इसकी शॉर्टकट की क्या है वो नोट कर लें, शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इज कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल एम मैं प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पर, मैं उस पर क्लिक नहीं करता, मैं कंट्रोल एम प्रेस करता हूँ नई स्लाइड एक मेरे पास, फिर मैं कंट्रोल एम करता हूँ फिर एक आ गई, फिर एक कंट्रोल एम करता हूँ तो मेरे पास स्लाइड्स एंटर होती जा रही हैं मल्टीपल, ठीक है जी। तो ये मल्टीपल स्लाइड, अब आप लेट से मेरे पास 7 स्लाइड में है, मैंने कोई जो है ना इंसर्ट कर दी, इंसर्ट पिक्चर, लेट से आप कहते हैं जी कैमरा रूल से या मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई पिक्चर पड़ी हुई, लेट से कोई भी ये एक पिक्चर आ जाएगी, बच्चों ने मेरी ड्राइंग की हुई है, ठीक है, तो इसको आप
मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है, बड़ा छोटा आप कर सकते हैं यहाँ से खींच के उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ठीक है। इसके बाद लेट्स से आपने कोई वेबसाइट खोली हुई है, ठीक है, और आपने टेक्स्ट कॉपी करके आपने उसको क्या करना है, अपनी स्लाइड के अंदर लेके आना है लेट्स से। तो वही काम है, जस्ट कॉपी पेस्ट आपने करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस वक्त मैं ये कुछ चीज एक्सेल से आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, लेकिन मैं आप ये कॉपी कर रहा हूँ एक्सेल से, मैं एक्सेल वर्ड से कुछ कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ लाके इसको ये देखें पेस्ट किया मैंने। ये देखें जी, 6 नंबर स्लाइड में ये मेरे पास मौजूद है। व्यू में जाके इसका व्यू हम 100% करते हैं पहले, फिर टू विंडो, ये देखें जी। ठीक है, बेसिक एक्सेल फार्मूला गाइड, ये जो चीज़ मैंने कॉपी की थी वो यहाँ पे पेस्ट हो गई। अब इसको आप कहीं जहाँ पे मर्जी ड्रैग करके रख लें। इससे मजीद आपने टेक्स्ट एंटर करना है, लेट से आप कहते हैं जी मैंने इसको आगे एंटर किया, एंड वी नीड टू वर्क आउट ऑन फाइनेंस एनालिसिस, इसको आप क्लिक करें, सेलेक्ट करें ऐसे, और ये लिंच, ठीक है, होम पे आए और इनके फाउंट्स बड़े करने हैं आपने एज डिजायर्ड बाय यू। ठीक है, तो ये मेरे पास इंसर्शन हो गई है। वेब से भी इस तरह आप उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को, और इसके अलावा आपके पास जो चीज़ें पड़ी हुई हैं अगर आप गौर करें तो फॉर्मेट पेंटर, ये वही चीज़ें हैं, टेक्स्ट की डायरेक्शन, शेप फिल आउट, या आपने जो है फॉर्मेटिंग की हुई थी आपने मैक्रो वर्ड के अंदर, तो बेसिकली चीज़ ये वही हैं। और इसके बाद आप डिज़ाइन पे आए, ये डिज़ाइन, so here you can see that different designs for your slides and presentations are available there, you can select any kind of design, for example this one, so uske mutabik likhai ho jayegi, usi ke mutabik set ho jayegi, usi ke mutabik uske aapke font aa jayenge, let's say ye lagane se pehle isko check kar le, ye dekh le, ye dekh le, aap waise aap point likhayenge na to zaruri nahi ki aap apply kare, to click karne se pehle waise aap aur preview dekh sakte hain, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, इट्स अप टू यू व्हाट काइंड ऑफ डिजाइन यू वांट टू अडॉप्ट। ठीक है, ये नीचे भी आपके पास डिफरेंट डिजाइन अवेलेबल हैं, ये है, ये है, ये है, ठीक है, ये है, सो लेट से आपने ये लगाना है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा जरा फॉन्ट मैंने बड़े किए थे, जैसे इसको मैं ड्रैग करता हूँ ये इन साइड द बाउंड्री आ जाता है। ठीक है, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं जब भी राइटिंग है, इसको आप मूव भी कर सकते हैं सिलेक्शन के साथ, ये देखें एरो साइन जो आ रहे हैं तभी ये मूव करेगा, ये देखें ऐसे, जब तक चारों ये आपके कर्सर कंट्रोल की जा सकती हैं तब आप इस चीज़ को मूव करते हैं। डिजाइन जिस तरह आपने पेज की ओरिएंटेशन आप करते थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, सो मच लाइक द सेम वे यू कैन डू दिस ओवर हियर, राइट। कोई चीज़ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये चीज़ें आपने, ये सारी की सारी आपकी चीज़ें कुछ फैमिलियर आप होंगे से, देखें उट ऑन दीज पर्टिकुलर थिंग जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, राइट। तो डिजाइन आपको बता दिया मैंने, आपको होम में ऐसे रेलिवेंट चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, फाइनल प्लेस मस्ट लाइक द सेम वे, ये वही है जो आप फाइंडर एंड प्लेस में आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो लेआउट था आपका, इस स्लाइड को आप डिलीट करना, लेट से मैं स्लाइड नंबर 5 टैप पे, मैं एक चीज और आपको और बता दूं, व्यू पे क्लिक करेंगे
आपके पास ये कुछ चीजें सामने आ रही हैं, ये दिस वन ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज और ये चीज, ठीक है। जब आप एक्चुअली जब स्लाइड्स बनाते हैं तो आपने आप चाहते हैं कि समटाइम्स मेरे पास हार्ड कॉपी हो, मैं स्लाइड्स का अपने प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट ले लूँ, तो हम उसको एड्रेस करते हैं फॉर्म ऑफ हैंड आउट, ठीक है। हैंड आउट मास्टर हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, नोट्स पेज अवेलेबल है, स्लाइड शॉर्टर, ये असल में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। स्लाइड देखें आपको पोजिशनिंग इस तरह की, अब ये वो जगह है जहाँ पे अपनी मर्जी के मुताबिक आप स्लाइड्स को शॉर्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ सिक्स अपने पास कमर पे लेकर आना है, उन्होंने तो उठाया करते 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 पोजिशनिंग हो रही, ड्रैग करते हुए इसको पोजिशन पे लिया, फर्स्ट मेरे पास वाली स्लाइड आ गई, इंट्रोडक्शन चला गया आपका, नहीं ये मेरी फर्स्ट पे आ जाए सेकंड पे आ जाए, देखें सेवन से उठ के यहाँ पे आ गई थी। अब आप चाहते हैं जो लास्ट पे इसको मैं थर्ड पे लेके आऊँ, इसको उठाएं ड्रैग करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं, ये स्लाइड शॉर्टर का कमाल है, ठीक है। अब आप नॉर्मल व्यू देखेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो, उठा के लेट्स सपोज फोर्थ ले जाना मेरे पास, ये थर्ड पोजीशन पे ये देखो थर्ड वाली फोर्थ पे चली गई और फोर्थ वाली थर्ड पे आ गई। सो इन दिस वे यू कैन स्लाइड टू द डिफरेंट प्रेजेंटेशंस, यू कैन मैनेज डिफरेंट स्लाइड्स अप एंड डाउन, आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और स्लाइड शो इसको मैं क्लिक करता हूँ, शो हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये देखें जी, नेक्स्ट करें आप, क्लिक करें नेक्स्ट आ जाएगा, फिर क्लिक करें नेक्स्ट आ जाएगी, फिर क्लिक करें नेक्स्ट आ जाएगी, फिर क्लिक करें नेक्स्ट आ जाएगी, शो हमारा एंड नहीं होता, स्लाइड नहीं होती, फिर नेक्स्ट करें, बाकी हमने ब्लैंक रखी हुई है और ये एंड हो गया, ठीक है। आप खुद इसके कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट क्या है आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चलाने के लिए स्लाइड शो को, दैट इज इसको पहले मैं एडजस्ट कर लूँ, ये देखें जी सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ नीचे लेके आया, यहाँ मैं कुछ लिखता हूँ, दोबारा कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया, वी विल डिस्कस डिफरेंट इश्यूज रिगार्डिंग पावर पॉइंट प्रेजेंट, ठीक है जी। सो हमारे पास शॉर्टकट की क्या है, F5, शॉर्टकट की क्या है जी F5, ये ले जी F5 में प्रेस किया हमारा शो स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इस पे क्लिक करें हम नेक्स्ट फिर आ जाएगा, फिर क्लिक करें फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट, एस्केप से आपको स्लाइड शो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं, सो इन दिस वे यू कैन मैनेज योर स्लाइड्स, जो आपको नोट्स मैंने बताया मैंने कहा था मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा, तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा परफॉर्म भी कर दिया है। इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन है प्लीज चैट रूम में हैंड रेज करें, अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। अगर किसी को आवाज कट के आ रही है या ऐसे प्रॉब्लम होती है तो ये मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, हिंदी एंड योगा के आपके पास जो लेक्चर है ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, इन चीज़ों को आपने करके भी देखना है, ठीक है। मैं ज़्यादा आगे नहीं जा रहा, तो ये हमारे पास अभी टाइम पड़ा हुआ है इंशाल्लाह, तो इसको हम मजीद आने वाले 3-4 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। और इससे इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, जब हमारे पास 31 मई के बाद हम दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे 2 या 3 जून को अल्लाह करे इंशाल्लाह, तो उसमें हमारे पास जो है रिविज़न का टाइम भी आप लोगों को दिया जाएगा 15-20 दिन, उसमें 2 वीक्स और होंगे, 4-5 क्लासेस हमारे साथ जो हैं हमारी हो जाएंगी, आप लोगों की मेरे साथ हो जाएंगी, तो उसमें हम मज़ीद रिवीजन कर लेंगे। और जिन्होंने जिन्होंने प्रॉपर जो है स्टडी नहीं किया होगा, लेक्चर जिनके मिस हो जाएंगे उनको भी मौका होगा कि उसमें शामिल हो सकेंगे, ठीक है। रही सही चीज़ों को भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल जो ये है कि अब इसको आप इंट्रोडक्शन मैंने आपको जो दिया इसको देख लीजिएगा, परफॉर्म करके देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको भेज दूंगा मैं, ठीक है। और ये जो नोट्स मैंने आपको पहले भेजे हैं इंट्रोडक्शन के, उसके बाद मजीद इंट्रोडक्शन में मजीद हम काम करेंगे, एनिमेशन के साथ टैकल करेंगे, हम स्लाइड शो में हम काम करेंगे मजीद डिफरेंट डिज़ाइन एंड टेम्पलेट्स के साथ, और इसमें जो है हम जो इसकी मूवमेंट होती है एनिमेशन डिफरेंट टेक्स्ट की
डिफरेंट उसके टेक्स्ट के डायरेक्शन को फिगर आउट करेंगे हम, ठीक है, तो एनिमेशन को देंगे, उनके टाइमिंग सेट देंगे डिफरेंट स्लाइड्स में, ठीक है, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपके रखता हूँ, रमज़ान की तैयारी भी माशाल्लाह, आप सब लोगों को जी एडवांस रमज़ानुल मुबारक, दुआ करें कि जी कोरोना वायरस रमज़ानुल मुबारक की बरकत से ख़त्म हो जाए, और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि जी हम रूटीन वर्क में दोबारा वापस आ जाएं, बस दुआ कीजिए। सर जी सीएस के पेपर की ना जरा प्रिपरेशन कैसे करनी है, थोड़ा सा गाइड करते हैं। वो भी मैं गाइड करता हूँ यार, तो ये ना क्या जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आज हम आपने लाइव लेक्चर जो यूनिवर्सिटी में लिए थे उनको साथ साथ प्रिपेयर करते जाएं, जो उन लेक्चर्स को साथ साथ प्रिपेयर करता जाएगा ना, उसके लिए कुछ मसला नहीं होगा। वो गाइडलाइन प्रॉपर करनी डेफिनेटली, अभी आते प्रेपर पेपर नहीं होने मेरे, आपके साथ सेशन जोन है, ठीक है, उसमें भी मैं प्रॉपर गाइड करूँगा, मैंने क्या करना है, मैंने पेपर पैटर्न क्या होगा, मैं कैसे ले बनाऊंगा, सारा मैं डिस्कस करूंगा, रिविजन भी इसमें होगी। अभी के लिए आपका टारगेट ये है कि जो सर थ्योरी थ्योरी को तैयार करने के लिए जो आपके नोट्स हैं वगैरह हमारे पास पड़े हुए हैं उनको अच्छी तरह याद करना, जैसे मैं दे रहा हूँ थ्योरी, थ्योरी तो है कोई नहीं, तो जो थ्योरी क्या हो रही है वैसे प्रैक्टिकल काम कर रही है, आपको भी पता है, तो जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वैसे प्रैक्टिकल, जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ वो प्रैक्टिकल के लिए ही है, पीपल नो दैट, पता है ना आपको, ये 202 है, यू नो दैट, प्रैक्टिकल है इसमें सारा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट के जो मैं आपको थ्योरी नोट्स भी दे रहा हूँ तो उसको एज इट इज आपने प्रिपेयर करना है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल स्क्रिप्ट लिखना है, ठीक है, वो इसलिए मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं कि आपने उसको जब समझना लिखना है ना, प्रैक्टिकल स्क्रिप्ट लिखना है हमने, तो आपको तैयार हो, आप उसको पढ़ना शुरू कर दें, मैंने नोट्स आपको दिए, जो मैंने अपने लेक्चर हैं उनको भी पढ़ना शुरू कर दें, मेरी रिकॉर्डिंग्स को सुने, और जो लाइव लेक्चर मैंने आपको दिए थे जिन्होंने पूरे लेक्चर नहीं लिए क्लास में, वो अपने फेलो से डिस्कस करें, सीआर से कंसल्ट करें, डीआर से कंसल्ट करें, जो फीमेल्स हैं स्पेशली, ठीक है, तो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें मिलजुल के साथ, सो दैट कि उसमें कोई एम्बिगस ना, फिर भी कोई साइज नहीं जी, असाइनमेंट्स आप लोगों ने मुझे सबमिट नहीं कराई यार, जो जो पिछली दो दी हुई मैंने आपको उस पर भी दी हुई थी क्यूईसी की वेबसाइट पे, सर जी क्यूईसी उस पर दी हुई है, हां दी हुई है मैंने यार आप लोगों को, ठीक है, हो सकता है कि मिड ना हो तो डेफिनेटली फिर असाइनमेंट्स की मद में आप लोगों के मिड्स की वो होगी ना एक्युमुलेशन, तो ये मैं कह रहा हूँ कि उसको जब नंबर्स को एक्युमुलेट करना है, एग्रीगेट निकालना है, तो जो उनकी असाइनमेंट के हिसाब से है ना, तो मैं आपको जो है एक्सेल की भी असाइनमेंट दूंगा, फिर पावर पॉइंट खत्म करने के बाद उसकी एक असाइनमेंट दे दूंगा, ठीक है, वो तो सर जी ये ग्रुप में सेंड कर दिए, उधर कोई भी नहीं जाता, यूसी की वेबसाइट खोल लें, इजी है, वो सामने ही पड़ी हुई है, कंप्यूटर साइंस फैकल्टी कंप्यूटर साइंस में आएंगे ना उसमें खोल लें, बाकी असाइनमेंट मैं आपकी यहां पे एक्सेल की मैं यहां पे शेयर करूंगा आपके ग्रुप में, ठीक है, ठीक है सर जी, वो हम देख लेते हैं फिर आपको, बाकी जो भी कंफ्यूजन है इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, सर सर एक क्वेश्चन है अगर आप प्लीज प्लीज, सर वो मेरा कजन पूछ रहा है कि साइंस के पेपर सर कब हो रहे, कोई इंफॉर्मेशन है यार, हमारे जो अपने है ना, आप जब ज्वाइन करोगे ना 1 जून से, तो हमारे मेरे साथ क्लासेस होनी है, और दोबारा 15 दिन हमारे रिवीजन सेशन होना है 15 डेज का, ठीक है, उसके बाद आपकी जो 20 जून के बाद आपकी 20 डेट शीट बनेगी, बात फॉलो कर रहे हैं मेरी, सर ना मैं सर 9th के पूछ रहा हूँ, कोई आइडिया है आपको कब होंगे पेपर? यार वो जो ना उन्होंने फिलहाल शेड्यूल लाइन जो दी है ना वो है 25 जून से जो है बिटवीन 24 जुलाई कहते हैं, अगर कोरोना वायरस अगर एक्सटेंड हो गया तो फिर जो है 10 सितंबर से लेकर जो है 30 सितंबर के दरमियान 2 डेट्स आई हैं, ठीक है, मतलब के जून के बाद ही है, जून के एंड से आ रही है, जी 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 जून के एंड से, चलें ठीक हो गया सर, ओके सर, ठीक है जी, कंफ्यूजन दूर हो गई तो मैं इसको लेक्चर को स्टॉप करता हूं, चलो मैं आपको ना ये सेंड करता हूं, ठीक है, ठीक है सर, चलें ठीक है, ठीक है। लाफेज़।